अब इस पर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि इतनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है, फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का अपना, उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिशनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था, रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिशनिस्ट ही दे पाएंगे, एक्चुअल उनके न्यूट्रिशनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही। बिल्कुल, बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस, और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही है फाइनल, ये इट्स अनफॉर्चुनेट। पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाए, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी। उसने जिसको ब्रॉन्ज मेडल में, जहाँ जो है अपने मुकाबले में जिसको वो किया है, पराजित किया है, हराया है, वो वर्ल्ड चैंपियन थी, तो सेकेंड राउंड में सेमीफाइनल में तो उसने 10-0 से हरा दिया, तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ से एक साजिश हो सकती है, ऐसा हमें डर है। तो हमने, हमारा सरकार से सवाल था अंदर कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे, मीडिया ने रिपोर्ट दिए, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या कोई साजिश हुई है, क्या कोई षड्यंत्र है, और पूरे देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। ये मेरा, विपक्ष, सरकार का प्रश्न नहीं है, ये देश की अस्मिता का प्रश्न है, और मैं अपने हितों के साथ समझौता कर सकता हूँ लेकिन देश हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। तो राजनीतिक बयानबाजी तो आपने सुन ली, हम आपको सुनाते हैं विनेश फोगाट के परिवार वाले क्या कह रहे हैं। देखिए कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप में मेरे को तो दुख है लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है, जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? देखिए जो मेरे को पता लगा, बजरंग और संगीता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया ना, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है? देखिए वो तो जो फेडरेशन जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया, कैसे बढ़ा, कैसे बढ़ने दिया, क्या किसी ने ध्यान नहीं किया, क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया, तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही है, वो उसके साथ ऐसी कैसे, ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने, इसका जवाब देना। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की विनेश फोगाट, बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की, उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहाँ पे रेसलिंग में,
और वो भी जिसको हराया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी, उसी बीच में खबर आई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे, कितनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है, भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत जबरदस्त पहल करनी चाहिए। बहुत दुख हुआ और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है। ये खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं आम लोगों के बस की बात नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं, इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। देखिए इसको लेकर हम बहुत दुखित हैं, मतलब हमें लग रहा था कि वो जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुँचा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है सबसे बड़ी बात है, और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो पीटी उषा जी से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे, और सरकार भी प्रयत्न कर रही है इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है। देखिए इसमें तो ऑफिशियल्स जो है वही बता पाएंगे कि क्या हुआ है इसमें।